और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उससे पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी नवरात्रि, ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोग नहीं कह पाए क्योंकि हम लोग कल भी याद था लेकिन जहन में नहीं रहा, याद था लेकिन याद नहीं रहा, याद नहीं रहा। लेकिन खैर आप लोगों की तरफ से बहुत सारी हम लोगों को शुभकामनाएं रिसीव हुई है। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो जो मेरा बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है जो कि गरबा है, उसकी वीडियो देखने जा रहे हैं। और इसकी सिचुएशन हमें दी है केतन ने और टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है गरबा फंक्शन 2017 श्याम गरबा इंटरनेशनल सूरत गुजरात। वेल देख लेते हैं वीडियो लेने से पहले। इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर का फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नाचने का मन करता है
जब भी गरबा आता है तो सोशल मीडिया पे जो है एक वीडियो जरूर वायरल होती है, शायद आपने देखी हो या ना देखी हो, उसके ऊपर लिखा होता है मैन विल बी मैन। उसमें उसमें जो है ना, शायद बहुत सारे लोगों ने देखी हो, चार पांच लड़के होते हैं, वो बेचारे बस ऐवी वो हल्का सा डांस करते हैं, लेकिन बीच में जब दो तीन लड़कियां आती है ना, फिर उनका डांस देखने वाला होता है गरबे का। वैसे मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी, बट दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई विश कि कभी मुझे भी ऐसे परफॉर्म करने का मौका मिले और इसमें मैं भी जिस तरीके से उन्होंने डांस किया उस तरीके से डांस करूं, और साथ में छिक छिक कलरफुल से कपड़े पहन के घाघरा, मतलब वेरी ट्रेडिशनल पूरा। मैं तो जब भी वैसे करूंगी ना, मतलब मुझे लगता है नया घाघरा चोली मैं या तो खरीदूंगी या स्टिच कराऊंगी अपनी पसंद का। आप स्टिच करवाएंगी? नहीं, ज्यादा चांसेस नहीं, 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 इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, मतलब मैंने देखे हैं कि रेडीमेड भी बहुत अच्छे आपको मिलते हैं, लेकिन मैं पूरा ट्रेडिशनल तरीके से जाना चाहूंगी, जो एक होता है ना पूरा वो पहनते और इधर भी ऐसे ऐसे लगा, मुझे वैसे भी बहुत। मैं भाई अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो डांस करना नहीं आता, यानी कि बहुत ज्यादा दिक्कत, नहीं हकीकत अभी बड़ी दिक्कत होती है, अगर मैं सीखूंगा भी ना तो जब मैंने इतनी देर लोगों के बीच में आना है ना, मैंने वैसे ही भूल जाना है, ये हकीकत है, ठीक है ना, मैंने भूल जाना है, तो उससे बेहतर है मैं तैयार तो होऊंगा, लेकिन जो है थोड़ी सी ऊंची जगह पर बैठ के ना, मैं हाथ में कोल्ड ड्रिंक और साथ में जो खाने पीने को पकड़े बैठ के मैं देखूंगा भाई लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक ड्रोन शॉट ले लूंगा, सारे कवर हो जाए बीच में। मुझे बहुत शौक है, मतलब मुझे दोनों तरह से अच्छा लगता है, डांडिया वाला भी मुझे अच्छा लगता है, हम डांडिया के साथ भी करें, और इस तरीके से जो हाथों वाला ना, ये भी वैसे इसकी भी अपनी खूबसूरती है, बट सीरियसली इतने अच्छे और मजे के फेस्टिवल्स है ना, कि आपका खुद ही मन कर रहा है कि इतने फेस्टिवल्स आते हैं। हालांकि दुर्गा पूजा भी हमें बहुत ज्यादा पसंद है, उसको देखने का भी मजा आता है, उसमें भी एक मतलब पंडाल जो लगते हैं खूबसूरत होते हैं, और जिस तरीके से औरतें मतलब तैयार हुई होती हैं वो जो साड़ी में, वो भी बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गरबा होता है ना, ये बड़ी वाइब्रेंट सी आप में एनर्जी लेकर आता है। दोनों का अगर मैं बात करूं, दोनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक है। अपना दोनों का वो कैसे आप कहें कि एक वो कहते हैं ना लुभाना इंसान को अपनी तरफ, दोनों एक अपने तरीके से जो है ना लुभाते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे जो है ना दुर्गा पूजा और जो पंडाल है ना, वो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि डांस की बात करूं नो डाउट देखने का अच्छा मजा आता है, लेकिन अगर की बात आए तो फिर मैं कर नहीं सकता, इसलिए जो चीज मैं कर सकता हूँ मुझे जो है वो ज्यादा अच्छी लगेगी। ये हकीकत है। और डांडियों की आपने बात की, तो डांडियां जो है एक, अब तो खैर पाकिस्तान में वो कल्चर खत्म ही होता जा रहा है, वरना पहले शादियों में जो है हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लुड्डी होती थी, डांडियां होती थी, इतना मजा आता था देखने का। अब तो ये तकरीबन जब अभी कोई दो तीन साल पहले मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी, उस पर हम लोगों ने डांस किया था, उसमें छुगाड़ा भी किया था, आपने किया था, लेकिन हमें कितनी शादियों में देखने को मिलता, मैं ये बात कर रहा हूँ बहुत कम ये होता जा रहा है, यानी कि पहले तकरीबन जितनी भी शादियों में जाते थे ना, आपको लुड्डी यानी कि डांडियों के साथ लुड्डी आपको जरूर देखने को मिलती थी, लेकिन अगर अब बात करें ना तो एक तरह का खत्म होता जा रहा है यहाँ पर। लुड्डी है जमल पाओ, लुड्डी है जमलो, बड़ा फनी, मतलब बड़ा मजा आता था सीरियसली। लेकिन ये वाकई में एक सेगमेंट शादियों में जरूर रहता होता था, कि मतलब आपने बाकी जितना भी डांस करना ना, लड़कियां बड़ा इंटरेस्टेड होती थी और उनको बड़ा शौक है, बाकी लड़के भी क्या नाम लेते हैं, हाँ, साथ करते थे, हाँ। और स्टिक्स तो जरूर आया करती थी, और देखो उस टाइम पर हम लोग को नहीं पता होता था कि भाई इसका ओरिजिन क्या है, सही बात है, आकर पता चला, इसीलिए तो मैं कहती हूँ चाहे कुछ भी हो, माने या ना माने यहाँ के लोग, लेकिन सारी चीजें और जो सारी हमारी इम्पोर्ट की हुई है, मतलब हमारी रूट्स जो है ना वो वहां से ही है, और ये नहीं चेंज हो सकती क्योंकि हमारे ब्लड में है ये चीजें, मतलब हम लोग डांस और तेल मेहंदी के तरीके और ये वो जितने भी फंक्शन है सारे बिल्कुल अभी भी वो चीजें नहीं भी होती ना, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं वो चीजें मिस करते हैं। अब जैसे शादियों में पहले एक बड़ा रुझान होता था, बरात वाले दिन वरी दिखाई जाती थी, बरी, हाँ पता नहीं वहाँ पर वरी होती है, बरी होती है ट्रेंड खत्म हो गया, टाइम के शॉर्टेज के से काफी ज्यादा आपको जो है वो हो गया है। एक्चुअली ना मेरी टांग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, उसकी वजह से क्या कि वो मसल्स मेरे जो है वो थोड़े से तंग कर रहे हैं। एक्सरसाइज बहुत हैवी करती है ना? अरे नहीं, मैं एक्सरसाइज हैवी नहीं करती, बस थोड़ा सा वो समटाइम्स पोस्चर गलत हो जाता है, उसकी वजह से भी ऐसा होता है, बट एनीवे
आज का ये जो हम लोगों ने वीडियो देखा है, मुझे देखकर बहुत मजा आया। पता नहीं अभी मुझे नहीं पता कि अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे इस साल में गरबा होगा या नहीं होगा। मुझे लगता है कि प्राइवेट होंगे तो होंगे, अगर क्या नाम देंगे, क्योंकि मैंने रिसेंटली शायद पढ़ा है कि नहीं होगा उस तरह। देखा जाए तो जितने भी फेस्टिवल है इस साल नहीं हुए, इवन के जो अभी गणपति विसर्जन भी गुजरा है वो भी उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया गया। प्रोसेशन वगैरह कहीं पर देखने को नहीं मिला, ना अलाउ था। बट ये है कि गरबा मुझे लगता है घर में तो ऐसा बंदा कर सकता है, फ्रेंड्स को बुला के। हाँ, घर में तो कर सकता है, यानी कि वो प्राइवेट आप कर सकते हैं, प्राइवेट पार्टीज आप करें घर में अपने, लेकिन और अगर... उसके बाद खा कर लेते हैं आपको इससे ज्यादा लोग। हाँ, लेकिन वैसे मैं ये बस सोच रही हूँ कि मौसम कराची में आई थिंक होता होगा ना, कराची में होता होगा। वैसे अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता कि इंडिया हम लोग कब विजिट करेंगे, हालात कब ठीक होंगे और हम लोग कब ये फेस्टिवल अटेंड कर सकेंगे, बट कोशिश करेंगे कि हम लोग कराची में जाकर मौसम ऐसे ही है। वैसे अलग है, मेरा बहुत मन है कि मैं इंडिया में आकर ना ये फेस्टिवल सारा सेलिब्रेट करें। वैसे आई थिंक दुबई में भी होता है, दुबई में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ हाँ, मुझे पता है दुबई में जितने भी नहीं, मुझे इसलिए पता है क्योंकि वहाँ पर होली और दिवाली और सारे फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। होता होगा। हाँ, वेल जहाँ पर भी मौका मिलेगा ना तो बस मैंने जल्दी से वो कहते हैं ना कि बिस्तरा उठाने चले जाना है, मैंने कोशिश करी जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं जाऊँ। और मैं हमेशा ऐसे प्लान बनाऊंगी कि मुझे कोई ना कोई फेस्टिवल देखने को मिले। बट एनीवे गाइस, आई होप आप लोग भी इसको काफी ज्यादा इंजॉय करेंगे और किस किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें ज्यादा लाइक सब्सक्राइब वीडियो शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।